नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम लेके आए हैं JKP कांस्टेबल MCQ सीरीज की वीडियो नंबर 9। दोस्तों हमने ऑलरेडी 8 वीडियो जो हैं कर लिए हैं। अगर किसी ने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखे हैं वो जाके पहले जो हमारी 8 वीडियोस हैं उनको देख लें, फिर इस वीडियो में आए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो JKP कांस्टेबल MCQ सीरीज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आने वाले JKP कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए, और साथ ही साथ जितने भी जेके SSB के एग्ज़ाम आ रहे हैं और SSC के आ रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों तो शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमने 120 क्वेश्चन जो है वो कर लिए थे, आज हम शुरू करेंगे 121 से आगे। तो क्वेश्चन नंबर 1-1 है, मयासराम इज़ लोकेटेड विच हिल्स ऑफ मेघालय। तो दोस्तों जो मयासराम है वो कौन सी हिल्स में मेघालय की लोकेटेड है, तो मेघालय की कौन सी हिल्स में है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, खासी। जो खासी की पहाड़ी है मेघालय में, वहाँ पे आपको मयासराम मिलेगा। मयासराम क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मयासराम में जो सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है, एनुअल रेनफॉल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, मयासराम में होता है, और ये कहाँ लोकेटेड है, मेघालय में। ठीक है दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1-2 पे। क्वेश्चन नंबर 1-2 है, बियॉन्ड द डैश द हिमालयाज बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलॉन्ग द ईस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। दोस्तों हमको बताना है जो हिमालय है कौन से पॉइंट से शार्पली वेंड करता है साउथ की तरफ और स्प्रेड करता है और ईस्टर्न बाउंड्री बनाता है इंडिया का। दोस्तों दिहांग जॉर्ज से ये क्या करता है, शार्प बेंड करता है हिमालय। और आपको क्या, जैसे ये हमारा देखो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला है, ऐसे हिमालय जा रहा है, जब ये दिहांग जॉर्ज आता है यहाँ से हिमालय कुछ इस तरफ से हो जाता है दोस्तों। ठीक है तो इस तरह क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको नागालैंड मिलेगा, यहाँ पे मणिपुर मिलेगा, और ऐसे जो अपना ये अपनी स्टेट्स जो हैं नॉर्थ ईस्ट की स्टेटें आपको मिलेंगी। तो ये वाला है, ये भी हिमालय का पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, इसको पूर्वांचल हम बोलते हैं। ठीक है इसको पूर्वांचल बोलते हैं। तो यहाँ कहीं पर आपको क्या मिलेगा, दिहांग गॉज। ठीक है तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पे। तो क्वेश्चन है, चाइना डजंट शेयर इट्स बाउंड्री, क्वेश्चन है चाइना डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद विच इंडियन स्टेट। तो ये आपको नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, बिहार, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। हमको बताना है कि चाइना इनमें से किसके साथ जो है अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है। हिमाचल से करता है, ठीक है अरुणाचल से भी करता है, सिक्किम से भी करता है। बिहार जो है दोस्तों ये इंडिया के सेंटर में आपको मिलेगा लगभग, और ये किससे इसकी बाउंड्री बनती है, नेपाल से बनाता है, चाइना से इसकी बाउंड्री कहीं भी नहीं लगती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 के ऊपर। तो क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वेस्ट लैंड। दोस्तों सबसे ज़्यादा आपको वेस्ट लैंड जो है वो कौन से राज्य में मिलेगा दोस्तों, राजस्थान में, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें रेत ही रेत है लगभग, कितना इसका एरिया जो है सिर्फ रेत मिलेगी आपको राजस्थान में। ठीक है तो इसका एरिया जो है मैक्सिमम एरिया जो है वेस्ट लैंड में है। तो ये स्टेट ऐसी है इंडिया की जिसका जो है लार्जेस्ट शेयर है वेस्ट लैंड में। ठीक है तो इसका आंसर जो है राइट आंसर डी हो जाएगा, राजस्थान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125 के ऊपर। क्वेश्चन है, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं अंडमान और निकोबार आपको कहाँ मिलेंगे, जैसे मान लो ये हमारा इंडिया है, ठीक है ये इंडिया जो है ना, अंडमान निकोबार आपको इस यहाँ कहाँ पे मिलेगी, ठीक है यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार मिलेगा। तो इसकी जो हाईएस्ट चोटी है वो कौन सी है दोस्तों, हमको बताना है वो है सैडल पीक। ठीक है सैडल पीक जो है इसकी हाईएस्ट चोटी है किसकी, अंडमान निकोबार आइलैंड की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126 के ऊपर। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज नॉट अ लैंड लॉक कंट्री। ठीक है यहाँ ऑफ आएगा, नेपाल लैंड लॉक है दोस्तों, म्यांमार जो है ये लैंड लॉक नहीं है क्योंकि इसके साउथ में जो है वो समुंदर लगता है दोस्तों। ठीक है तो ये वाला जो है ये इसका राइट आंसर होगा, भूटान लैंड लॉक है, अफगानिस्तान भी लैंड लॉक है। तो क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर है,
म्यांमार, म्यांमार के साथ जो म्यांमार है ये लैंड लॉक नहीं है, इसका जो कोस्टल एरिया भी है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127 के ऊपर। इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद विच कंट्री। तो नॉर्थ वेस्ट कौन सा है दोस्तों? तो अगर हम देखें ये हमारा इंडिया आएगा, तो नॉर्थ वेस्ट वाला ये वाला रीजन है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा है? यहाँ पे तो पाकिस्तान है, तो यार राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान मिलेगा, यहाँ पे पाकिस्तान यहाँ पे लगता है, और यहाँ पे 120 लगभग क्या आपको अफगानिस्तान की सीमा दिखने को मिलेगी, और यहाँ पे चाइना मिलेगा आपको। ठीक है, चाइना है, यहाँ पे आपको नेपाल दिखेगा, यहाँ पे आपको भूटान दिखेगा, और यहाँ वाला एरिया जो है कौन सा है? ये म्यांमार है। ठीक है, आप एक बार क्या करना, आप मैप जो है वर्ल्ड मैप खोल के देखना, और आपके कौन कौन से नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको देखना, आपको लर्न हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127। अच्छा 127 हो गया, इसका आंसर क्या है? पाकिस्तान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128 के ऊपर। हाउ मैनी स्टेट्स शेयर्स दियर बाउंड्रीज विद नेपाल? तो नेपाल जो कंट्री है इसके साथ भारत की कितनी स्टेट्स जो हैं वो अपना बॉर्डर साझा करती हैं? तो देखिए ये है भारत का जो ये नक्शा, ऐसे आपको मिलेगा, और ये ऐसे आपको यहाँ पे आपको नेपाल देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नेपाल है। तो सबसे पहले ये वाला एरिया जो है ये कौन सा है? यूके है, उत्तराखंड। ठीक है, और यहाँ वाला आपको थोड़ा एरिया किसका दिखेगा? यूपी का दिखेगा, और ये वाला एरिया जो है ये बिहार का दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक कुछ पोर्शन जो है वेस्ट बंगाल का दिखेगा, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? सिक्किम मिलेगा। तो देखिए दोस्तों कितना हो गया, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ठीक है, आप नाम भी याद कर सकते हो, 1 2 3 4 5 राज्य हो गए। कौन कौन सा है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर D 5। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129 के ऊपर। विच यूनियन टेरिटरी इन इंडिया हैज़ 4 डिस्ट्रिक्ट बट नन ऑफ इट्स डिस्ट्रिक्ट हैज़ अ कॉमन बाउंड्री विद इट्स अदर डिस्ट्रिक्ट? दोस्तों पुदुचेरी जो है ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। पुडुचेरी की जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं आपस में उनकी जो बाउंड्रीज नहीं लगती हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 के ऊपर। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ शाहदरी रेंज? शाहदरी हम किसको बोलते हैं दोस्तों? वेस्टर्न गार्ड्स को बोलते हैं। वेस्टर्न गार्ड्स जो है इसके बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, तो ये जो आपको ऐसे आपको मिलेगा साउथ इंडिया जो है ऐसे मिलेगा, तो ये हमारे हैं वेस्टर्न गार्ड्स और ये हैं ईस्टर्न गार्ड्स। ठीक है, शाहदरी इसको कहाँ बोलते हैं? इसको महाराष्ट्र में इसको शाहदरी बोलते हैं। ठीक है, और कहीं पे इसको क्या बोलते हैं? बहुत सारे इसके नाम है। ठीक है, वेस्टर्न गार्ड्स भी इसका नाम है, शाहदरी इसका नाम है, कहीं पे इसको क्या बोलते हैं? अन्नामलाई भी बोलते हैं। ठीक है, अन्नामलाई इसको, इस एरिया में अन्नामलाई बोलते हैं। तो आप याद रखना शाहदरी जो नाम है किसका नाम है? वेस्टर्न गार्ड का नाम है शाहदरी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। दोस्तों हम करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन है हिमालयन माउंटेन रेंज फॉल्स अंडर विच टाइप ऑफ माउंटेन्स? तो दोस्तों कौन सी टाइप की माउंटेन में भी फॉल करती है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर D फोल्ड माउंटेन। इसके पीछे की मैं आपको कहानी बताता हूँ, फोल्ड माउंटेन क्या मतलब है दोस्तों। पहले क्या है, इंडिया जो था वो गोंडवाना आइलैंड का हिस्सा था, आपको पता होगा ये 10 मिलियन ईयर पहले की बात है। दोस्तों क्या होता है, इंडिया जो है गोंडवाना आइलैंड से सेपरेट होके धीरे 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 क्या है, यूरोपियन प्लेट से टकराता है। ठीक है, तो पहले मान लो यहाँ पे आज इंडिया है, वहाँ पहले क्या था? टैथियस सी था। ठीक है, तो उस समय क्या होगा, जो चाइना आज की डेट में है उसके साथ समुंदर लगता होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे जब इंडिया क्या है गोंडवाना आइलैंड से सेपरेट हुआ, और धीरे धीरे आते आते क्या हुआ, इंडिया इसके साथ जब कनेक्ट हो गया, तो
इस एरिया में क्या हुआ, जैसे जो से टकराया होगा यहाँ से ऊपर उठ गया, ठीक है, ऊपर उठने से क्या हो गया, यहाँ पे हिमालय बन गया। तो दोस्तों ये प्रक्रिया जो है अभी भी चल रही है, ठीक है। इंडिया क्या है, यूरोपियन प्लेट को लगातार टकरा रहा है, ठीक है, इससे क्या है हिमालय की हाइट जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है। इससे क्या होगा, धीरे धीरे ऐसा टाइम आएगा जो बिहार है, यूपी है, हिमाचल है, ये धीरे धीरे इनके एरिए क्या है ख़त्म होते जाएंगे, ठीक है, और क्या है हिमालय और ऊंचा होता जाएगा। तो ये कि फोल्डेड माउंटेन है, लगातार लगातार क्या है ये फोल्ड हो रहा है, ठीक है, इसकी इसीलिए बोलते हैं इसको फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं, ठीक है, ये कारण है इसको, ठीक है। आपको ये पता चल गया हिमालय कैसे बना, ये पता चल गया होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है, डी है, फोल्ड माउंटेन है, रेंज हिस्से हैं, ठीक है, फोल्ड हो रहे हैं यहाँ पे जमीन। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 132, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया और रीजन इज मोस्ट प्रोन टू अर्थक्वेक। दोस्तों मैंने ये ऊपर जो आपको बताया अभी, हिमालय जो बन रहा है, ठीक है, लगातार क्या है इंडिया जो है यूरोपियन प्लेट से टकराता जा रहा है, इससे क्या हो रहा है, हिमालय तो बन रहा है पर उसके अंदर अंदर क्या है गैसें भी, गैस बन रही है, ठीक है, छोटी छोटी गैसें भी बनती हैं भाई, फोर्स लगे तो गैस बनेगी, और इससे क्या होता है, इससे जो अर्थक्वेक आते हैं यही गैसेस जो हैं इसका मुख्य कारण होता है अर्थक्वेक का, ठीक है। तो इसलिए जहाँ जहाँ आपको हिमालय देखने को मिलेगा वो एरिया क्या है प्रोन है किसके लिए, अर्थक्वेक के लिए। तो इसका ये आगे कौन सा, गैंगटिक और ब्रह्मपुत्रा वैली वाला जो एरिया है ये वाला, तो ये वाला जो है अर्थक्वेक प्रोन एरिया है दोस्तों, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर है, गंगा ब्रह्मपुत्र वैली वाला जो रीजन है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133 के ऊपर, विच आर द फॉलोइंग वाटर इज नोन एज रेड क्लिफ लाइन। दोस्तों कुछ बताने की जरूरत नहीं है, रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी है, मैकमोहन लाइन है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134 के ऊपर, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया हैज़ ए लैंड डिस्प्यूट नियर तवांग, ठीक है। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए तवांग कहाँ पे है दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में आपको तवांग देखने को मिलेगा, और ये तवांग का जो डिस्प्यूट है किसके साथ है दोस्तों, चाइना के साथ लगातार चलता आ रहा है, ठीक है। इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135 के ऊपर, द हाईएस्ट पीक इन इंडिया K2 इज आल्सो नोन एज, इंडिया की जो हाईएस्ट चोटी कौन सी है दोस्तों, K2 है, इसका दूसरा नाम क्या है, गॉडविन अश्विन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है, गॉडविन अश्विन है। तो दोस्तों कहाँ मिलेगी दोस्तों, ये आपको मिलेगी काराकोरम रेंज के ऊपर देखने को मिलेगी, और ये क्या है ट्रांस हिमालय है, ठीक है, इज नॉट ए पार्ट ऑफ हिमालय, इट्स ए ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के 15 क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।